अस्सलाम वालेकुम फॉलोअर्स, मैं आपका दोस्त नबील आज आपके साथ एक और एपिसोड लेकर आया इंस्टाग्राम मूवीज़ न्यूज़ अपडेट का, जो कि वीकेंड में आपको देता हूं। तो ये लिए ये वीकेंड और आपके सामने इंस्टाग्राम मूवीज़ न्यूज़ अपडेट के एक और एपिसोड हाजिर है। तो इस एपिसोड में हम काफ़ी सारे मूवीज़ के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के, वंडर विजन के बारे में, थोर लव एंड थंडर के बारे में, ब्राज़ील कॉमिक कॉन इवेंट के बारे में, गोस्टबस्टर 2020 के टाइटल एंड ट्रेलर के बारे में, इटर्नल मूवीज़ के ट्रेलर डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम में हफ्ते की पहली न्यूज़ मैंने आपको दी थी गोस्टबस्टर 2020 के टाइटल से रिलेटेड। तो इसका टाइटल ऑफिशियली कंफर्म हो गया, जो कि है गोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ। उसकी कुछ रिसेंटली सेट इमेजेस भी निकल के आई है, जिसकी वजह से कंफर्म कर दिया गया है कि इसका ट्रेलर भी जल्दी ही निकल के आने वाला है। उसके ट्रेलर की रिलीज डेट जो है वो है मंडे, जो कि कल है। तो इसके पोस्टर भी, फर्स्ट पोस्टर भी निकल के आ गया, जहाँ पे हमें कार देखने को मिल रही है, गोस्टबस्टर की जो टीम है उनकी कार। तो वेट करते हैं इसके फर्स्ट ट्रेलर का। अगर ट्रेलर की बात हुई तो एक और ट्रेलर की कंफर्मेशन आ चुकी है, और इसका नाम है वंडर वुमन 84 का, जिसका टीज़र निकल के है, जो टीज़ करता है अपकमिंग ट्रेलर के बारे में, और ये टुमारो मतलब कल हमें देखने को मिलेगा इसका ट्रेलर, फर्स्ट ट्रेलर। एक और अभी कमाल की अपडेट आई है कि पैटिक जेंकिंस ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया ब्राज़ील के कॉमिक कॉन इवेंट के कि अमेज़न ऑफ द थेमेसरिया की सोलो मूवी उन्होंने कंफर्म कर दी है कि उसकी सोलो मूवी ऑफिशियली आएगी। अब देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है इसमें। अगली अपडेट की तरफ चलें तो ये कमाल की अपडेट है MJ के फैंस के लिए। तो ये अपडेट है कि माइकल जैक्सन की एक मूवी, बायोग्राफी मूवी बनेगी। अब इसके डायरेक्टर, राइटर या फिर एक्टर्स कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हुई, बस यही आई है कि इस पर एक बायोग्राफी मूवी बनेगी 2020 या उससे भी आगे ईयर जा सकते हैं। यू नो कि एक सैड अपडेट आई थी कि द मास्क का जो सीक्वल होगा उसमें हमें फीमेल लीड में दिखेंगी, मतलब जो मास्क पहनती है वो एक फ़ीमेल होगी। पर अब हमारे सामने गुड न्यूज़ आ गई है, जो एक्टर हमें फर्स्ट पार्ट में देखने मिले थे वही हमें सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेंगे, और वो अपना रोल प्ले करने के लिए वापस आ रहे हैं। और द मास्क का सीक्वल बहुत ही कमाल होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि पहले टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इसका पहला पार्ट अच्छा था पर इतना VFX के मामले में अच्छा नहीं था। और अब तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हुई है, और आप सोचिए कितनी कमाल का इसका सीक्वल बनेगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप कितने एक्साइटेड है कमेंट में बताइएगा। तो ये अपडेट्स कवर होगी। अब MCU की अपडेट की तरफ चलते हैं। इंस्टाग्राम में पहले अपडेट जो मैंने आपको MCU से रिलेटेड दी थी वो थी थोर लव एंड थंडर की विलन को लेके। तो इसकी विलन को लेके जो रूमर चल रहे हैं कि एनचेंट्रेस का जो रोल प्ले कर सकती हैं वो कर सकती हैं जेनिफर लॉरेंस। अगर ये रूमर सच निकला है तो सच में मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जेनिफर लॉरेंस एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है, उसके साथ एनचेंट्रेस हमें विलन देखने मिलेगी, तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया। तो अगर ये रूमर सच है तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आपका क्या आइडिया है मुझे कमेंट में बताइएगा। अगली अपडेट मैंने आपको दी थी कुछ वीडियो से रिलेटेड, जो कि इसी चैनल में मैंने रिसेंटली अपलोड की थी। पहली थी कंसेप्ट आर्ट्स के ब्रेकडाउन, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड गेम की काफ़ी सारे कंसेप्ट आर्ट निकल के थे, उनका ब्रेकडाउन मैंने किया था। उससे अगले ब्लैक वीडियो का आपको पता ट्रेलर निकल के आ चुका है, टीजर ट्रेलर, उसका ब्रेकडाउन मैंने किया। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अगली अपडेट मैंने आपको दी है यहाँ पे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ब्राज़ील कॉमिक कॉन इवेंट से लीक इमेजेस जो निकल के आ रही हैं उससे रिलेटेड। वैसे वही इमेजेस है जो कि सेट में हमें देखने को मिली। तो इसका छोटा टीजर तैयार करके फैंस को दिखाया गया ब्राज़ील कॉमिक कॉन इवेंट में, जो कि आप देख सकते हैं सामने लीक फुटेजेस निकल के। सिर्फ इसकी नहीं बल्कि वंडर विजन की भी एक लीक इमेजेस निकल के आई है, वहाँ पर उन्होंने टीजर दिखाया होगा पर हमारे सामने सिर्फ इमेज ही आई है, जहाँ पे हम वंडर और विजन को साथ बैठे देख सकते हैं। और ये टाइमलाइन देखने में मिल रही है 80s की, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देखने मिल रही है, और आप अगर देखेंगे और से काफ़ी सिमिलर लग रही है इससे पहले जो कंसेप्ट आर्ट हमारे सामने आई थी। और देखने से ऐसा लग रहा है जो डिस्क्रिप्शन निकल के आई थी इसके फर्स्ट टीजर ट्रेलर और मूवी से प्लॉट से रिलेटेड सच होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन वंडर विजन की नहीं है, बल्कि एक और तगड़े रूमर्स चाह रहे हैं कि शायद हमें वंडर विजन के बच्चे इस सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। और इसके दो सीन्स निकल के आए हैं जो कि रूमर्स हैं, सिर्फ रूमर्स, मैं कन्फर्मेशन नहीं कह रहा। एक हॉस्पिटल सीन जहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि वंडर बर्थ दे रही है इन ट्विंस को, और दूसरा सीन स्कूल वाला होगा जहाँ पर हमें इन बच्चों का टीनेज दिखाया जाएगा। तो ये सिर्फ रूमर्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कन्फर्मेशन नहीं है। तो अगर ये रूमर सच हुए तो वाकई काफ़ी मज़े की बात है, और यहाँ यंग एवेंजर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और एक और यहाँ पे ट्रेलर डिस्क्रिप्शन निकल के आई हमारे सामने ब्राज़ील कॉमिक कॉन इवेंट में पूरा का पूरा इटर्नल्स का ट्रेलर दिखाया गया, पर हमारे सामने सिर्फ डिस्क्रिप्शन निकल के आई है, जो कि मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। और ये इस वीडियो की आखिरी अपडेट है। तो हमें ट्रेलर ऐसे दिखाया जाता है कि पहला करेक्टर हमें दिखाया जाता है बैरी का, जिसका दरवाज़ा खड़कता है और ये एक ट्रेनिंग कैंप में होता है। दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने पूरी इटर्नल्स की टीम होती है, और वो कहता है अंदर आ जाओ, इसे अपने घर जैसे ही महसूस करो। इटर्नल की पूरी टीम ने अपने पूरे के पूरे यूनिफॉर्म में होती है, मतलब उनका कॉस्ट्यूम। फिर हमें दिखाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट इटर्नल्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस में हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सलमा, जो कि टीम को लीड कर रही होती है, उसके साथ बाकी इटर्नल के मेंबर होते हैं जो कि आग में फंस जाते हैं, और उसमें से एंजेलिना जूली का करेक्टर आग में से
निकलता हुआ नजर आता है जो कि एक एक्शन सीन है। और फिर हमें यहाँ पे जिमी चैन का करेक्टर मतलब सर्सी और रिचर्ड का करेक्टर मतलब एडिस हमें साथ में देखने को मिलते हैं। उसके बाद सीन आगे जाता है और यहाँ पे हमें कुमाल का एक कॉमेडी सीन देखने को मिलता है जहाँ पे वो डांस कर रहे होते हैं। वो सीन आगे जाता है और हमें सलमा का एक सीन नज़र आता है जहाँ पे वो हॉर्स राइडिंग कर रही होती है। ट्रेलर खत्म होने से पहले एक और सलमा का सीन जहाँ पे वो डायलॉग यूज़ करती है और वो कहती है इन्होंने हमें बदल दिया है और हमें अब इन्हें बचाना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। एंड आई डोंट नो कि ये स्टेटमेंट उसने किसके लिए यूज़ की, शायद इंसानों के लिए यूज़ की हो, आई डोंट नो। द रिटर्नर्स के अलावा यहाँ पे ब्लैक विडो का भी एक और ट्रेलर यहाँ पे ब्राज़ील कॉमिक कॉन इवेंट में दिखाया गया था जहाँ पे रेड गार्डियन का ज़्यादा सीन था और एक्शन था और एक्सप्लोजन थे और कुछ नहीं। और आई नो कि ये वीडियो काफ़ी छोटी थी पिछले एपिसोड की नस्बत क्योंकि इस हफ्ते ज़्यादा कोई अच्छी अपडेट मतलब ज़्यादा कोई खास अपडेट आई नहीं है मूवी से रिलेटेड। जितनी आई थी मैंने आपको दे दी है, इंस्टाग्राम में आपको पता है मैं दे देता होता हूँ और वीकेंड में तो आपको वीडियो बना के ज़रूर दे देता हूँ। तो जितनी अपडेट थी फिर मैंने आपको वीडियो बना के दे दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जो कि मार्वल डीसी और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल जानना पसंद करते हैं। अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।